Welcome back to my channel. My name is Sohini and you are watching Sohini Parvi. मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एंड आप सोचोगे कि यार ये लड़की पागल है, हम मतलब इसका तो कमेंट्स और टर्नड ऑफ रहता है, बट रिसेंटली मैंने टर्नड ऑन किया है। मेरे कम्युनिटी पे जो पुराने वीडियोस में कमेंट है उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ डू व्हाट्स इन माय बैक। तो मैं सोचा कि भाई चलो बैक तो मेरे पास बराबर दिखाऊंगी तभी ये करेंगे। बैक सेगमेंट नहीं है, व्हाट्स इन माय बैग है, सो छोटा सा ही मैं करने वाली हूँ एंड द बैग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। पिंक मैचिंग सिर्फ लिपस्टिक मैंने थोड़ा सा मरून कलर लगाया, वरना हेयर बैंड कपड़े एंड ये वाला मैंने पिंकिश रखा है एंड यहाँ पे फ्लेमिंगो है। सो या आई लव दिस बैग, ये बहुत ही क्यूट है एंड यहाँ पे अगर थोड़ा सा मोटा है तो सीक्वेंस चेंज करने में भी बहुत ईजी होता है मेरे लिए। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो अभी मैं बताने वाली, तो खोलते हैं तो ये रही। तो पहले जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, दैट इज़ अ मार्क्स। तो ये मेरे ब्रदर ने गिफ्ट किया था अगर आपको याद है, सो राखी ब्लॉग देख सकते हो। तो गाइज मेरी मम्मी आई थी, दैट्स वाई मैंने ऑफ रखा था। तो पहला चीज़ जो है मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो सो या आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ माई हेडफोन्स। तो ये मेरी दीदी का था बट दीदी ने नया खरीदा है, सो दैट्स वाई या अभी ये मेरा हो गया, बट ऐसे बहुत अच्छे से तो नहीं चलता। जो भी चीज़ें रिसाइकिल होती है मेरे पास आती है, क्या रिसाइकिल नहीं मतलब यूज़ होती है वो रिसाइकिल करके मेरे पास आती है। सो या हेडफोन से नेक्स्ट चीज़ एंड देन वी हैव अ पेन। पेन क्यों है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट तो पेन, सो नेक्स्ट थिंग इज़ अ क्लिप, एरियल का क्लिप, क्योंकि मुझे एरियल खास के लिए बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट, बट माई फेवरेट वन इज सिंड्रेला, बट मुझे ये शिट यार, बट मेरी दीदी का फेवरेट प्रिंसेस है एरियल, तो मुझे भी काफ़ी पसंद है एरियल एंड मेरा दोनों फेवरेट, बट मेरा फेवरेट है सिंड्रेला, मेरी दीदी का ही है। सो ये लगा कर भी बहुत अच्छा लगता है एंड दिस इज़ ऑल्सो इन पिंक, तो हमारे टीम के साथ ये मैच खा रहा है पिंक पिंक। सो और जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ अ छोटू सा ज्वेलरी। सो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज़ शिट यार, मैंने यहाँ पे इयररिंग्स रखे कि मगर जब भी ट्रैवल करना है किसी को अगर ज़रूरत पड़े, मुझे नहीं किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मतलब उनको मैं दे सकूँ ये इयररिंग्स। एंड मैंने और एक्स्ट्रा रखे एक और दैट इज़ दिस एंड ये दोनों लाइक हुप्स टाइप है एंड देन मैंने रखे हैं यार, ये पुराना मतलब ओल्ड था ये बहुत, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है मुझे, सो दैट्स वाई मैंने ये भी रखा है। तो मैंने इसे पहन लिया है बट ओल्ड इज़ गोल्ड। तो या उसके बाद मैंने रखा एक चोकर, तो ये रही चोकर। शिट मुझे चोकर कलेक्ट करना भी बहुत पसंद है, जितना पढ़ना नहीं पसंद उतना तब लगा, जितना गले पे मतलब लगाने के वगैरह में कलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये वाला ये है चोकर्स एंड मेरे पास दो अभी ये रिंग्स है, तो ये इसमें फिट होता है एंड ये तो किसी में भी फिट हो जाता है। सो मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, मैंने दोनों रिंग्स रखे हैं, दोनों इयररिंग्स रखे हैं एंड दोनों मैंने ऐसे नेकलेस पीस टाइप के रखे हैं। सो तो ये नेकलेस जो है मैं पर्स ही रखने वाली हूँ। सो तो नेक्स्ट थिंग इज़ आर हैंकरचिप, क्योंकि हैंकी भी हैंकी या ये रुमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो अगर मार्क्स भूल जाए, बट मेरे पास मार्क्स है सो दैट्स वाई मैंने रुमाल से भी मार्क्स बनाया था। सो या रुमाल हाथ पूछने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या और नेक्स्ट थिंग इज़ अनदर मार्क्स, ये ब्लैक कलर में है एंड ये मैंने सबसे पहले मार्क्स खरीदा था, ये वाला मार्क्स मैंने सबसे पहले ख़रीदा था एंड देन ये वाला। तो ये थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है क्योंकि सांस लेना मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, किसको लगे ना लगे मुझे लगता है एंड इसमें थोड़ा सा हल्का फील होता है, यू नो इसमें बहुत ही ज़्यादा हल्का फील होता है। सो आई जस्ट लव दिस मास्क एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ आवर नेल पॉलिश, क्योंकि सब लड़की को आई थिंक नेल पॉलिश पसंद है। सो दिस इज़ फ्रॉम ओशिया इन द शेड येल्लो विल्लो 33। इसका अगर मुझे लिंक मिल जाएगा तो मैं नीचे दे दूँगी एंड गाइस अगर आपको कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है किचन का, तो मेरी मम्मी अभी काम कर रही है किचन में, क्योंकि अभी सिर्फ 12:24 बजे हैं ना रात के दिन के। तो ये बहुत ही अच्छा क्यूट सा एक येलो कलर है, सो आई जस्ट लव दैट एंड मैं जब भी लगाना पड़ता है तो मैं तब नेल पॉलिश लगाती हूँ, इतना ज़्यादा लगाती नहीं क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना होता है। सो या और नेक्स्ट थिंग इज़ मैं जो नेक्स्ट थिंग मेरा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक रबर बैंड, क्योंकि मुझे रबर बैंड के बिना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं पे जाए गर्मी लगे तो यू नो
ऐसे लगा लो क्योंकि अभी भी गर्मी सीजन चल रहा है। मैंने ये जो है फुल स्लीव्स वाला एक टॉप पहना है, मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था तो दैट ऑन कर दिया है एसी, क्योंकि यार मैंने फ़ैन चलाऊंगी तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी आएगा एंड ना गर्मी तो बहुत ही लगेगा, तो दैट्स वाई अभी गर्मी नहीं लग रही क्योंकि मैंने एसी ऑन किया है। सो या नेक्स्ट वाज रबर बैंड एंड जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ ये आप सोचोगे ये क्या है, तो ये मैं नोट्स लिखने के लिए मतलब बाहर अगर कहीं पे भी ट्रैवल करने जाऊँ तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ यहाँ पे मतलब बाजार मार्केट या ऐसे जगह पे मैं ज़्यादा जाती हूँ। अगर वहीं पे किसी को मिल जाए मोबाइल फट से ना मिले, सो दैट्स वाई मैं ऐसे वाला ओल्ड इज़ गोल्ड होता है ना, सिर्फ मोबाइल से क्या करें, तो दैट्स वाई मैंने ये क्यूट क्यूट हार्ट शेप के ये पेपर्स कट किए हैं, बहुत सारे यूज़ हो गए ऑलरेडी सो दीज आर लेफ्ट और मुझे कट करना पड़ेगा। मैंने पेन रखा था इसीलिए कि किसी का नंबर अगर लिखना है कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फ़ोन से लिखने से ये ज़्यादा क्यूट लगेगा। सो या दैट्स वाई मैंने ये क्यूट से पेपर हार्ट पेपर शेप एंड दिस हार्ट for you guys, love you guys. Oh, sorry, this one is looking. Our next thing is Maybelline New York का ये baby lips color, क्योंकि यार मुझे काफ़ी पसंद है and ये निकल क्यों नहीं रहा है बेटा, तो ये बहुत ही moisturize कर देता है, oh gosh, ये देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा moisturize कर देता है and that's why I have keep in this, तो इसको बंद करते हैं, रुको रुको, आई ओ वाह वाह वाह, सो या our next thing was Maybelline. सो अब नेक्स्ट थिंग इज़ आ लिपस्टिक, क्योंकि यू नो मैं मेकअप लवर हूँ ना हूँ, लिपस्टिक लवर आई एम अ बिग लिपस्टिक लवर, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेबेलिन न्यूयॉर्क का ये सुपरस्टिक मैट इंक रखा है, क्योंकि इसका कलर भी बहुत प्रिटी एंड इसका स्मेल इज़ ओ गॉश अमेजिंग, क्योंकि इसका जो स्मेल है ना पूरा कैडबरी जैसा दिखता है ना, इसका कलर भी बहुत स्वीट है गाइस, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई ऑन दिस मेबेलिन लिपस्टिक। एंड आवर लास्ट प्रोडक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ अ हैंड सैनिटाइजर, ये हिमालय का है तो या दिस वन इज़ दैट, तो ये जो है मतलब थोड़ा सा और मतलब अदर हमने सैनिटाइजर को मिक्स किया है यहाँ पे, सो या दैट्स वाई एंड इसका स्मेल जो है बहुत ही प्रिटी है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खासकर मुझे तो अभी मैं लगाऊंगी नहीं तो ये जो है पूरा हाथ पे फैल जाएगा एंड दैट्स इट, मेरी जो बैग है वो खाली है, इतना ये छोटू सा पाउच करने में भी कितना टाइम लगता है गाइस, बट मुझे तो लगता है कि तो या मुझे लगता है तो जो ये बैग व्हाट्स इन माई बैग है ये कम्प्लीट हो गया है। एंड ऑल्सो कॉमेंट कि मुझे ये आपको ये मेरा बैग कैसा लगा, ये इग्नोर करना इस रिबन को, आप सिर्फ इस बैग को देखना एंड सीक्वेंस चेंजिंग। सो या दैट्स इट फॉर माई टुडेज वीडियो गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि व्हाट्स इन माई बैग करो, सेगमेंट लिखा था बट मैंने सेगमेंट नहीं रखा क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल अ वेरी फेमस पर्सन, तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ अपना व्हाट्स इन माई बैग रखा है। सो यह छोटू सा बैग था गाइज, बहुत बड़ा बैग तो नहीं था बट या आई थिंक दिस इज़ क्यूट, आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना एंड इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड इंटरेक्ट करो उन लोगों की, मुझे भी सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट कर दो कि अगर आपको कोई सा भी वीडियो चाहिए देखने के लिए तो वो भी कमेंट करो एंड कैसी लगी और क्या गलत किया वो भी नीचे कमेंट करो, बट प्यार से लिखना कि क्या गलत किया मैंने एंड शाउट आउट गोज़ टू, अभी मैं बताने वाली हूँ। शाउट आउट गोज़ टू बबली एस डांस, उसने लिखा है वेरी नाइस व्लॉग, आई लव योर व्लॉग्स, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको भी एक शाउट आउट जीता है तो नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करो तो मैं भी श्योर आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम को दूंगी एज अ शाउट आउट। सो बाय गाइज, लव फ्रॉम सोहिनी, बाय।